लॉकडाउन के चलते कई लोगों के सामने संकट खड़ा हो गया है। ऐसे लोगों की मदद के लिए शहर में अनेक संस्थाओं ने पहल की है। लॉकडाउन की शुरुआत से ही सिंधी समाज सदापुरा जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचा रहा है। पूर्व पार्षद राहुल पाराशर और सिंधी समाज के भामाशाह नरेंद्र बुधवान ने सहयोग से यहां भोजन बनाकर जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा रहा है। सदापुरा बी रोड पर 24 अप्रैल से भंडारा संचालित किया जा रहा है। मकसद एक ही है, कोई भूखा ना सोए। पिछले 24 मार्च से निरंतर हमारे सभी भाई लोग साथियों की तरफ से, सिंधी युवा साथियों की तरफ, नंद जी बुधवानी, राजेश जी गंगवानी और मदन आयदासानी जी, रमेश जी और भी हमारे अन्य समाज के भी सब साथी जो भी यहाँ पे तन मन धन से लगे हुए हैं, लक्ष्मीचंद बुधवानी, संजय सोलंकी, नरेंद्र सोलंकी, सभी लोग पिछले 24 मार्च से निरंतर यहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहे हैं और उत्साह के साथ माननीय मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत साहब की जो भावना है कि कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोए, उसी को ध्यान में दृष्टिगत रखते हुए पहले हम लोगों का मानस ये 31 मार्च तक करने का था। उसके बाद सब साथियों ने कहा जब लॉकडाउन बढ़ा तो इसको 14 अप्रैल तक कर दिया जाए। 14 अप्रैल के बाद एक बार फिर हमने सोचा कि इसको बंद किया जाए, लेकिन उस समय जहाँ जहाँ हमारे द्वारा भोजन वितरण किया जा रहा है उन लोगों की जो हमने दशा देखी और वहाँ से जिस तरह से लोगों का बार बार अपील की गई कि आप बंद मत करो, तो फिर सभी साथियों ने मिलजुल कर वापस निर्णय लिया कि नहीं, इसको निरंतर हमें जारी रखना है। और आज इसी मुख्यमंत्री जी की जो भावना उसको दृष्टिगत रखते हुए हमारे सिंधी युवा साथीगण और अन्य समाज के भी साथीगण कंधे से कंधा मिलाकर इस समय में अधिक से अधिक संख्या में लोगों के पास, जिनके पास वास्तव में आवश्यकता है दिहाड़ी मजदूर को, उनको श्रम जाकर हमारे तेजू मनवानी जी और संजय सोलंकी, नरेंद्र सोलंकी, अभिषेक जैन, ये सब खुद जाके एक एक आदमी को अपने हाथों से भोजन वितरण किया जा रहा है। इसके अलावा जो हमें नगर निगम को भी भोजन पैकेट उपलब्ध करवा रहे हैं, साथ ही मेडिकल कॉलेज, MDM हॉस्पिटल, जहाँ जहाँ जैसी आवश्यकता होती है, देवनगर पुलिस थाना, इन लोगों के माध्यम से भी हमारे द्वारा भोजन वितरित किया जा रहा है। 24 तारीख को जब चालू किया था तो 25 तारीख को हमारा चेटीचंड का हमारा त्यौहार था, तो हम लोग सब युवा साथी और सब जने मिलके ये सोचा हम लोगों ने कि जो चीज़ हम लोग उस समय नहीं कर पा रहे हैं कोरोना महामारी के तहत, देन हम लोग अभी इस चीज़ को साथ में करें। तो जैसे राहुल जी ने बताया, हम लोगों ने सब ने मिलकर ये फैसला किया कि हम लोग ये चीज़ लंगर का सारा सामान जो भी अपना करना है इसी में करें। देन उस दिन से आज तक हम लोगों का चालू है और उम्मीद कर रहे हैं कि आगे भी चालू ही रहे।